जब तक गरीबी चलती रहेगी तब तक राजनीतिक दलों को फायदा होता रहे। राजनीति में सत्ता में क्रिमिनल एलिमेंट के होने में दोनों में हर तरह के दल शामिल हैं। अगर मेरे देश के करोड़ों लोग, करोड़ों युवा लोग बेरोजगार हैं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? पैसा कहाँ से आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी इनके पास नहीं है। प्रॉपर विवेक जी, हाल ही में आपकी पुस्तक इलेक्शनोमिक्स एक प्रकाशित हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो एक दुनिया, हमारी जो राजनीति है उसकी दिशा और दशाएं थोड़ी सी भिन्न होती हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको क्यों ये विचार आया कि हमें चुनाव को लेकर ही किसी पुस्तक का प्रकाशन करना चाहिए? जी, इसकी बहुत बड़ी वजह है। देश में 65% नागरिक देश के जो हैं वो युवा हैं। 65% 35 साल से नीचे के नागरिक और उनकी जो अभी करंट में स्थिति है हमारे देश में, अगर देश में हर साल लाखों इंजीनियर बनते हैं लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब उनको रोज़गार मिले या वो रोज़गार के लायक हों, वो स्थिति नहीं है। तो एक तरफ तो रोज़गार कम है, दूसरी तरफ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी नहीं है। अगर बाई चांस रोज़गार हो भी तो ऐसे स्थिति में उनको कोई नौकरी नहीं देगा, बावजूद इसके कि उन्होंने लाखों रुपया उस इंजीनियरिंग की एजुकेशन पर खर्च कराया है, ऐसे ही डॉक्टरी में, ऐसे ही दूसरे अदर प्रोफेशंस में, इवन लीगल प्रोफेशन में। तो ये सब वजह क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन को सेल किया जा रहा है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को खोलने के लिए AICTE से परमिशन मिलती है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन मिलती है या मेडिकल काउंसिल से परमिशन मिलती है, ऑल दीज आर, जब हमारे सामने रिजल्ट किसी चीज़ के ख़राब आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस में कमी है। ये प्रोसेस को, कमी को दूर करने के लिए देश के राजनीतिक लोग को अधिकार दिया गया है संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी पावर्स जो हैं वो उनको दी गई हैं। अगर वो प्रोसेस को नहीं ठीक करेंगे, देश के नागरिकों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको स्वायत्तता या उनको रोज़गार नहीं मिलेंगे, तो ये 65% जनता जो देश का स्वाभिमान हो सकती है, वो स्वाभिमान की जगह वो अपने आप भी परेशान होगी और सबको, और सबको भी परेशान करेगी। तो ऐसे में देश का आगे बढ़ना नामुमकिन है। अगर मेरे देश के करोड़ों लोग, करोड़ों युवा लोग बेरोजगार हैं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि सबके पास कुछ ना कुछ रोज़गार हो, कुछ ना कुछ कामगारी हो। तो ये सारी स्थिति जो है, ऐसी बहुत सारी स्थिति हैं जिनकी वजह से मुझे ये मन में आया कि युवाओं के लिए ज़रूरी है कि उनको इस बात की जानकारी हो कि उनके क्या अधिकार हैं, इलेक्शन से रिलेटेड उनके क्या अधिकार हैं, क्या होता है समाज में इलेक्शंस में, और उन्हें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट्स ने क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है उन बातों को लेके, और क्या होता है एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक सामंजस्य इस किताब में बनाया गया है कि जिससे सारी जानकारी बिल्कुल कूटता के साथ में मिलाई गई है, जो हमारे इलेक्शंस के बीच में, इलेक्शंस में सारे चीज़ें होती हैं, बीतती हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या मिलता है, क्या होना चाहिए, लॉ क्या कहता है, कोर्ट्स क्या कहती हैं, तो उन्हें इस एक बुक के अंदर ये सारी जानकारी मिल जाएगी। राजनेता ऐसे कौन से हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं कि वो जनता का बिल्कुल व्यू ही चेंज कर देते हैं, उसका मत को ही बदल देते हैं, तो इसके पीछे क्या, इस पर बारीकी से आपने कार्य? जी हाँ, इसके ऊपर बहुत बारीकी से कार्य किया। देखिए, समाज में कई घटक हैं। एक निचले स्तर का घटक है जो रोज के 100, 200, 500, 1000 रुपये कमाता है, अलग अलग तरह के। ऐसे कुछ दूसरे घटक है जो मिडिल क्लास में जब हम आ जाते हैं तो उनको, उनकी जो कमाई है वो अलग लेवल की है, मंथली उनको नौकरियां मिलती हैं, मंथली वो पैसा कमाते हैं। फिर ऊंचे दर्जे का घटक है जहां पर पैसा मायने नहीं रखता। तो समाज के जो अलग अलग पैरामिड हैं, उन पैरामिड को लेवर करने के लिए राजनीतिक पार्टीज़ की अलग अलग तरह की वो तकनीक होती है। उस तकनीक को, उन तकनीकों को बहुत बारीकी से इस किताब में उतारा गया है। आपको जानकर बहुत हर्ष भी होगा और ये आप आश्चर्य भी होगा कि जब एक रिक्शा वाला वोट डालने जाता है तो वो क्या सोचकर वोट डालता है? वो ये सोचकर वोट डालता है कि दिस इज द, कि यही केवल एकमात्र ऐसा समय है जब मेरी पूछ हो रही है, तो वो अपने आप को प्राइड फील करता है, वो कहता है मैं वोट डालने जरूर जाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा वोट जो है झोपड़ी, झुग्गी और इन सब माध्यमों से जो वोट पड़ता है वो सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ता है, एक रीज़न कि
उनको ये प्राइड होता है कि चलो इस बहाने अब ये हमारे से मांगने के लिए आया है, और दूसरा कि बहुत सारी तरह की जैसे शराब चलती है, शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, तरह तरह के डूल्स बांट किए जाते हैं, साड़ियाँ किसी जगह साड़ियाँ बांट दी गई, किसी जगह कुछ बांट दी गई, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के प्रावधान हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से उस तरह के लोगों को लेयर करती हैं, किसी के घर में बर्तन बांट दिए, किसी घर में पानी की जग बांट दिए, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो देश की आज़ादी के बाद से जो गरीबी का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, तमाम राजनीतिक दल इस बात को कहते हैं कि साहब हम गरीबी दूर करेंगे, इस बार चुनाव जीतेंगे, तो गरीबी का जो मुद्दा है क्या वो अपने मुनाफे के लिए राजनीतिक दल उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं? जी हाँ, मैं मेरा इस बारे में एक दूसरा व्यू है, मैंने जो किताब में रखा है, जब तक गरीबी चलती रहेगी तब तक राजनीतिक दलों को फ़ायदा होता रहेगा, तब तक उन्हें मिडिल क्लास की ज़रूरत नहीं है वोट के लिए, तब तक उन्हें हाई क्लास की ज़रूरत नहीं है वोट के लिए, क्योंकि गरीब उनको आकर वोट दे रहा है, तो गरीबी से उनको फ़ायदा है, गरीबी से वो आराम से वोटर्स को लेवर कर सकते हैं। और भारी मात्रा में गरीबी, और एक गरीबी और दूसरा हमारा रिलीजन, ये दो चीज़ें जो हैं राजनीतिक माहौल में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। देश में कई कई करोड़ युवा बेरोजगार हैं, ये घातक नहीं सिद्ध करता है, दिस इज घातक। तो ये स्थिति तो हमारे लिए समय आ चुका है, जो भविष्य, वो जो भविष्य आज से 20 साल पहले लोगों ने सोचा होगा वो भविष्य हम आज देख रहे हैं। स्थिति जहाँ पर बहुत सारे मामलों में अच्छी है, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल तुरंत जाना समाज से ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन का, किसी भी समाज में जितने भी विकसित समाज हैं उन सभी विकसित समाजों में एजुकेशन कमर्शियलाइज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी कमर्शियलाइज नहीं है। तो हम तब तक विकसित नहीं माने जा सकते जब तक हमारे यहाँ पे एजुकेशन पूरी तरह से एक तरह की ना हो, सभी के लिए एक जैसी, और जो जो करना चाहता हो उस सबको एक तरह का ही पैसा देना पड़े। ये नहीं कि हाँ मैं उस मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ तो वहाँ पे रेट है 5 करोड़ का, और मैं दूसरे वाले मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूं तो वहां पे रेट है 1 करोड़ का। लेकिन इस देश में शिक्षा और राजनीति दोनों ही मुनाफे के धंधे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन उस चीज़ को दूर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, कैसे होगा? देखिए, जानकारी पहला माध्यम होता है, जब तक इंसान को जानकारी नहीं होती तो वो अंधेरे में जीता रहता है, और जो उसके साथ जैसा करता है वो उसको झेलता रहता है। तो समाज के लोगों को जब तक जानकारी नहीं होगी, और समाज में क्योंकि युवा संवर्ग बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो युवा संवर्ग को जब तक ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तब तक वो डिमांड नहीं करेंगे, तब तक वो पूछेंगे नहीं कि भाई आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। तो उनको लिए ज़रूरी है कि उनका मार्गदर्शन हो। अर्जुन जो युद्ध में जब गया तो वो इतना महाधुरंधर होने के बावजूद, एक सबसे उम्दा किस्म का तीरंदाज होने के बावजूद और योद्धा होने के बावजूद उसके अंदर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आया, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस श्रेणी में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने आकर उसको बोला, उसको ज्ञान दिया। तो उसी तरीके से हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे अर्जुन हैं जो आज के डेट में करोड़ों की मात्रा में है, उनको भी कोई पर्सन चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनको ज्ञान दे पाए, उनको बता पाए कि देखो तुम्हारे ये अधिकार है, तुम आगे बढ़ो, तुम अपनी हिम्मत रखो, लेकिन अपने आप को परिपक्व बनाओ, अपने आप को उम्दा बनाओ। अच्छा, जो राजनीतिक अपराधीकरण है, आप क्या मानते हैं, कहीं राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति का अभाव है, या जो माफिया वर्ग है जो बाहुबली है, या उनका समाज में इस कदर वर्चस्व होता है, जो आला नेता है उनको ये लगता है कि इनके बिना आपकी नैया पार होने वाली नहीं है? आपने बिल्कुल क्या आप मानते हैं? मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट दूंगा इस बारे में। पहला फैक्ट ये है कि राजनीति में जब किसी कैंडिडेट को चुना जाता है कि किसको हम चुनाव लड़ने के लिए चुने, चुनाव इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट अगर कुछ आ भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति में वर्चस्व होता है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 29 में क्रिएशन होती है, उनकी कुछ उनसे कुछ उम्मीद करती है इलेक्शन कमीशन, उसमें एक है पैसा कि जो भी उनके पास पैसा आता है वो सारा अकाउंट इलेक्शन कमीशन को दें, दूसरा है कि जितना भी उन वो विनिंग कैंडिडेट को, उनको जब कैंडिडेट राजनीति में उतारने होते हैं, इलेक्शंस में उतारने होते हैं, तो वो देखते हैं कि विनिबिलिटी क्या है कैंडिडेट की। तो विनिबिलिटी दो चीज़ों से तय होती है, पैसे से और वर्चस्व से समाज में। समाज में वर्चस्व
अलग अलग माध्यम से होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वर्चस्व अच्छे काम कार्यों की वजह से है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका वर्चस्व अच्छे कार्यों की वजह से नहीं है और वो गुंडागर्दी, मारकाट, दूसरे तरह के माध्यमों से उनका वर्चस्व बना हुआ है समाज में। तो वो क्या करते हैं, इवन वो जो गुंडे जो गुंडागर्दी करते हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं, वो भी कुछ अच्छा काम करते हैं। अगर आप देखें माइन्यूटली, आप उस चीज़ को देखें, तो वो भी कुछ अच्छा काम करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ नाम मैंने किताब में डाले हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ का जो समाज है उनमें से, उनके घरों में शादियां हैं तो उनकी मदद कर दी, किसी को नौकरी नहीं मिल रही उसको नौकरी दे दी, किसी को पैसे की ज़रूरत है थोड़ा पैसा दे दिया। तो वो क्या है कि अपने आसपास के समाज को वो सजो के रखते हैं, तो उस चीज़ का मैसेज वो पहुंचाते हैं चारों तरफ, थोड़े आगे के समाज पर। तो थोड़े समाज को वो फ़ायदा करते हैं और बाकी ज़्यादा समाज को वो नुकसान करते हैं। तो आज की डेट में 65% लोग ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम, जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उसमें से 21% ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट बहुत बहुत सीरियस तरह के केस हैं। अगर इस प्रोजेक्शन से देखा जाए, ये जो फिगर है ये 2004 में बहुत कम था, 2009 में बढ़ा और 2014 में और बढ़ा। तो उस तरीके से अगर मैं प्रोजेक्शन देखूँ तो मुझे लगता है कि 2034 तक आते आते 2034 का जब तक चुनाव आएगा और उसके जब रिजल्ट निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होंगे जिनके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग होगा। तो जिस गति से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहाँ पॉलिटिकल पार्टी वो विनिबिलिटी देख रही है और पैसा खर्च करने वाला पर्सन देख रही है, क्योंकि लोगों को ल्योर करने के लिए उनका जो वोट बैंक है, मिडिल क्लास कम वोट देगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, वो सारे लोग भी वोट डालें, क्योंकि वो वोट डालेंगे तो जो अगर वो शराब देके वोट लेकर जीतने का उनका चांस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ा लिखा है वो शराब लेके वोट तो नहीं डालेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा, हर संवर्ग का पार्टिसिपेशन होगा, तो उनकी जो सोचने की नीयत है, काम करने की नीयत है या जीतने की नीयत है, वो बदलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी तरह के लोगों को आगे आके वोट डालना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए, मैं स्पेसिफिक किसी नेता का नाम लेने के लिए, किसी दल का नाम लेने के लिए आपको नहीं फोर्स करूंगा, लेकिन इसके लिए तो सभी कोई, ये तो गंगा में सब डुबकी लगा रहे हैं, दूध का दुबला तो कोई भी दल नहीं। जी हाँ, मैं इन दोनों मामलों में, पैसे के मामले में और राजनीति में सत्ता में क्रिमिनल एलिमेंट के होने में, दोनों में हर तरह के दल शामिल है, हर तरह के दर्शन। पैसा कहाँ से आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी इनके पास नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना? बिल्कुल तय होनी चाहिए, लेकिन परेशानी जो इस समय हमारे सामने आती है वो ये आती है कि जवाबदेही तय करने के लिए भी लॉ बनाना पड़ेगा, और वो लॉ कौन बनाएगा? यही लोग बनाएंगे, और इन्होंने आज तक बनाया नहीं है। आपका यूथ के लिए क्या मैसेज है? मेरा यूथ के लिए मैसेज है, अपने आप को उम्दा बनाएं, अच्छा काम करने की कोशिश करें। जैसे मैं भी कभी इस मीन्स एक बहुत मीडियोकर बैकग्राउंड से बाहर निकल कर आया हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपना एक विजन बना के रखा कि हाँ मुझे क्या करना है। समाज में अच्छा कार्य करने से, दूसरे की मदद करने से और अपने आप को आगे बढ़ाने से जो खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई सामंजस्य किसी के और चीज़ के साथ में नहीं है, किसी बेईमानी से नहीं है, किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। तो ऐसे में अपने आप को अच्छा आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको फोकस होके, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में विजन बना के आगे बढ़ना पड़ेगा।